अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल जेनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। हियर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर और बीएस इन इंग्लिश कैन सीक हेल्प। अवर टुडेज कोर्स इज हैमलेट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द समरी, शॉर्ट समरी ऑफ हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। प्लॉट ऑफ हैमलेट इन इजी वर्डिंग। Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos, and video अच्छी लगे please press the like button and share my video with your friends. Zany study instruments literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. William Shakespeare, Hamlet, short summary in simple English. Hamlet is a young prince in Denmark who was supposed to become king when his father, also named Hamlet, died. Hamlet Denmark का एक नौजवान शहजादा है जो इस वक्त बादशाह बनना चाहता है जब इसके वालिद, जिसका नाम भी Hamlet ही होता है, फौत हो गए। Instead the throne was seized by Hamlet's uncle Claudius, who also married Hamlet's mother Gertrude. इसकी बजाय तख्त पर हैमलेट के चचा क्लॉडियस ने कब्जा कर लिया है, जिन्होंने हैमलेट की वालदा गर्ट्रूड से भी शादी कर ली है। हैमलेट मीट्स अ गोस्ट ऑफ हिज डेड फादर हु टेल्स हिम डैट ही वाज पॉइज़न्ड बाय क्लॉडियस एंड डिमांड्स डैट हैमलेट किल क्लॉडियस इन रिवेंज। हैमलेट अपने मुर्दा बाप के एक भूत से मिलता है जो इसे बताता है कि इसे क्लॉडियस ने जहर दिया था, और मुतालबा करता है कि इंतकाम में हैमलेट क्लॉडियस को मारे। Hamlet is at first not sure whether to believe the ghost, so he tries to investigate. Hamlet पहले इस बात का यकीन नहीं करता कि आया रूहुल कुदस पर यकीन करना है, लिहाजा वो तहकीकात करने की कोशिश करता है। He pretends to be mad to hide what he is doing. वो जो कुछ कर रहा है इसे छुपाने के लिए पागल होने का बहाना करता है। As the play goes on, it becomes hard to tell if Hamlet is actually mad or still just pretending. जैसे जैसे ये ड्रामा चल रहा है ये बताना मुश्किल हो जाता है कि हैमलेट असल में पागल है या अभी भी दिखावा कर रहा है। His behavior causes him to fall out with Ophelia, a girl he was in love with. और इसके रवैये का सबब बनता है कि वो ऑफेलिया के साथ गिर जाए, एक लड़की जिसके साथ वो मोहब्बत में था। He eventually has the idea of getting some actors to put on a play of a king being killed in the way the ghost described to see if Claudius reacts guiltily. इन्होंने आखिर में कुछ अदाकारों को हासिल करने का ख्याल है, वो एक बादशाह के एक ड्रामे पर मारे जाएंगे जिस तरह माजी में बयान किया गया है, ये दिखाने के लिए एक क्लॉडियस मुजरमाना तौर पर रद्देअमल करता है। क्लॉडियस पेंसिस व्हेन ही सीज द प्ले एंड हैमलेट सीज दिस एज कन्फर्मेशन डैट ही वॉज अ मर्डर। क्लॉडियस जब वो ड्रामे को देखता है तो क्लॉडियस पेंसिस करता है और हैमलेट इसको तस्दीक के तौर पर देखता है कि वो कातिल है। Hamlet has a chance to kill Claudius in the castle chapel but cannot bring himself to do it. Hamlet को सल्तनत की चैपल में Claudius को मारने का मौका मिला है, लेकिन खुद को वो इस तरह नहीं, मतलब कि वो उसे मारता नहीं है, वो इस तरह नहीं करता। While waiting outside he gets into an argument with his mother. बाहर इंतजार करते करते वो अपनी माँ से किसी दलील में उतर जाता है। Someone moves behind a curtain and Hamlet thinking it is Claudius stabs him. किसी को पर्दे के पीछे महसूस करता है, ये सोच के कि क्लॉडियस है उसके पर्दे के पीछे, वो फिर स्टैबस हो जाता है। इट टर्न्स आउट दैट ही हैज किल्ड पोलोनियस अ रॉयल एडवाइजर एंड ओफेलियाज फादर। पता चला कि ये एक शाही मशीर है और ओफेलिया के वालद पोलोनियस को कत्ल किया है। क्लॉडियस ऑर्डर्स हैमलेट टू बी एक्साइल्ड टू इंग्लैंड। क्लॉडियस ने इंग्लैंड यानी कि हैमलेट को हुक्म दिया है कि इसे इंग्लैंड जिलावतन कर दिया जाए। He sets up a plot to have Hamlet killed, but Hamlet escapes and returns to Denmark. वो हैमलेट को हलाक करने की साजिश तय करता है, लेकिन हैमलेट फरार होकर डेनमार्क वापस आ जाता है। Meanwhile, Ophelia has been suffering from madness after falling out with Hamlet. दरी असना ओफेलिया हैमलेट के साथ बाहर गिरने के बाद पागलपन में मुबतला किया गया है।
देन आफ्टर लर्निंग डैट ही हैज किल्ड हर फादर शी ड्रोन्स हर सेल्फ. ये सब पढ़ने के बाद सीखने के बाद इसने अपने वालद को कत्ल किया है, वो खुद डूब जाता है. हेमलेट री अपियर्स एट ओफेलिया फनरल एंड गेट्स इन टू अ फाइट विद हर ब्रदर लियर्टिस. हेमलेट ओफेलिया के जनाजे पर दोबारा नमोदार होता है और अपने भाई लियर्टिस के साथ लड़ाई में पड़ जाता है. लियर्टिस ब्लेम्स हेमलेट फॉर हिज सिस्टर एंड फादर्स डेथ एंड वांट्स टू टेक रिवेंज. लियर्टिस अपनी बहन और बाप की हलाकत पर हेमलेट को जिम्मेदार ठहराता है और बदला लेना चाहता है. ही चैलेंज हेमलेट टू अ स्वॉर्ड फाइट. हेमलेट एग्री. वो तलवार की लड़ाई में हेमलेट को चैलेंज करता है और हेमलेट उससे इत्तफाक कर लेता है. द स्वॉर्ड फाइट इज अरेंज टू टेक प्लेस एट द कैस्टल. किले में तलवार की लड़ाई का अहतमाम किया जाता है. टू गेट हेमलेट किल्ड क्लॉडियस गेट्स लियर्टिस टू फाइट विद अ स्वॉर्ड डेट हैज पॉइजन ऑन द प्लेट एंड ब्रिंग सम पॉइजन वाइन इन केस दिस डज नॉट वर्क. हेमलेट को मारने के लिए क्लॉडियस इस तलवार से लड़ने के लिए लियर्टिस मिल जाते हैं जिसके ब्लेड पर जहर होता है. अगर ये काम ना करे तो जहर आलूदा शराब लाता है. द स्वॉर्ड फाइट बिगन्स आफ्टर सम फाइटिंग. और कुछ लड़ाई के बाद लियर्टिस तलवार की लड़ाई शुरू होती है. लियर्टिस वॉन्ड्स हेमलेट एंड पॉइजन्स हिम. लियर्टिस ने हेमलेट को जख्मी कर दिया है और इसे जहर दे दिया है. ड्यूरिंग अ ब्रेक द स्वॉर्ड्स आर मिक्सड अप एंड हेमलेट एंड्स अप फाइटिंग एंड वॉर्निंग लियर्टिस विद द पॉइजन स्वॉर्ड. कुछ लड़ाई के बाद लियर्टिस वक्फे के दौरान तलवारों को मिलाया जाता है और जहर आलूदा तलवार के साथ लड़ाई और जख्म लगाने वाले लियर्टिस को हेमलेट खत्म कर देता है. लियर्टिस शो रेग्रेट्स फॉर व्हाट ही हैज डन एंड टेल्स हेमलेट अबाउट द पॉइजन एज ही डाइज. और मरने के बाद जहर के बारे में हेमलेट को बताता है. और इसके बाद मेन वाइल गर्ट्रूड ड्रिंक द पॉइजन वाइन बाय मिस्टेक एंड डाइज. और उसी जंग के दौरान दोनों की तलवारें एक्सचेंज हो जाती हैं. लियर्टिस की तलवार हेमलेट के पास आ जाती है और हेमलेट की लियर्टिस के पास चली जाती है. और जहर वाली तलवार जो कि लियर्टिस की थी वो अब हेमलेट के पास है. और लड़ाई के दौरान हेमलेट लियर्टिस पे हमला करता है और जहर वाली तलवार अब लियर्टिस को जख्मी कर देती है. और जो वाइन थी जहरीली वाइन थी वो इसी दौरान क्वीन गर्ट्रूड इनकी लड़ाई देखने आती हैं और वो दोनों खून में हैं. तो ये देख के वो वही वाइन वाले ड्रिंक पी लेती हैं और वो वाइन वाले ड्रिंक पीने की वजह से क्वीन गर्ट्रूड मर जाती हैं. रियलाइजिंग डैट ही इज आल्सो डाइंग हेमलेट स्टैब्स क्लॉडियस विद द पॉइजन स्वॉर्ड एंड फोर्सेस हिम टू ड्रिंक द रेस्ट ऑफ द वाइन. और जहर आलूदा तलवार से हेमलेट क्लॉडियस को वार करता है और इसे बाकी शराब पीने पर मजबूर करता है. इन हिज लास्ट मोमेंट्स हेमलेट टेल हिज फ्रेंड होरेशियो डैट फोर्टिनब्रस नॉरगेन प्रिंस शुड बी नेम्ड एज द नेक्स्ट किंग ऑफ डेनमार्क. और हेमलेट अपने आखिरी लम्हात में अपने दोस्त होरेशियो को बताता है कि नॉर्वे के एक शहजादे फोर्टिनब्रस को डेनमार्क का अगला बादशाह करार दिया जाए. गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक हेमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर शॉर्ट समरी इन इजी वर्डिंग एंड इन इंग्लिश उर्दू. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज.